विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन. लास्ट हमने पावर का एक्सप्रेशन सीख रखा था, तो पावर से ही कंटिन्यू करते हैं. अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड थ्री आइडेंटिकल सेल्स ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस are connected in series due to current, the temperature of wire rises by delta theta in a time t. If n number of identical cells is now connected, ও একটা কাজ করবে, সবকিছু কাচের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে, আমি ওই একসাথে ফেলে আসবো. টাইন माइक्रोफोन ऑफ करिए. If n number of identical cells is now connected in series with a wire of same material, and cross section, but of twice length. Then it is found that same amount of temperature changes in same time. Find n. N निकालनी है, कितनी आएगी? क्वेश्चन का डेटा तो आपको ऑलरेडी मिल गया है, अब एक बार इसको करके देखते हैं. तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये किसी एक वायर का है, एंड इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है. ये मान लेते हैं n सेल्स है यहाँ पे, तो इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगी दैट विल बी एनी, एंड ये रेजिस्टेंस आर का है. तो इस केस में इसमें जो पावर कंज्यूम होगा दैट विल बी करंट का स्क्वायर डिवाइड इनटू रेजिस्टेंस कर सकते हैं. तो करंट का स्क्वायर करेंगे तो एन ई, या फिर वोल्टेज का स्क्वायर भी आर भी कर सकते थे, तो एन ई का स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा. एंड ये पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा. सो एनर्जी जो कंज्यूम की उसने, तो वो हो जाएगी आपकी पावर इनटू टाइम कर लेंगे, और यही बेसिकली आपकी क्या होगी, वो टेम्परेचर को राइज कराने में यूज होगी. तो इसको आप यूज करेंगे तो एम एस इंटू डेल्टा टी यूज डेल्टा थीटा यूज करेंगे. सो पावर की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, एंड दैट विल बी एम एस डेल्टा थीटा. अब आपको जो मटेरियल उसने सेम बोला है, वायर सेम नहीं बोला है, मटेरियल सेम है, तो आप मटेरियल को एक्सप्रेस करो. मटेरियल मतलब क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस तो वायर के लिए फिक्स नहीं होगा, वायर को चेंज करोगे बट मेटल को फिक्स रखोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी. तो रेजिस्टेंस को आप इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखो. सो एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आर की वैल्यू को लिख रहे हैं, सो दैट विल बी रो एल बाय ए, एंड दैट मल्टीप्लाइड विद टाइम टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे. डेंसिटी के लिए डी लिख लेते हैं जस्ट क्योंकि रो रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया हमने. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए ए इंटू एल कर लिया, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा थीटा. अगर आप नोटिस करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कट जाएगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा लो पतला लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है. तो यहां से अगर आप देखोगे तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ रही है डी एल स्क्वायर रो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इंटू टी, ये आ रही है. अब उसने बोला है सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज कर रही है इन सेम टाइम इंटरवल, और बाकी सब कुछ तो वैसे भी कांस्टेंट है.
तो इसका मतलब n की वैल्यू जो आ रही है प्रोपोर्शनल टू l आ रही है, क्योंकि n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर आ रही है, मतलब n की वैल्यू भी प्रोपोर्शनल टू l है। तो अगर लेंथ डबल किया, क्योंकि उसने देखो उसने क्या रखा है, ट्वाइस दी लेंथ, देखो उसने क्या रखा है, बाकी सब कुछ सेम लिया है, बस लेंथ को उसने डबल किया है। तो लेंथ को डबल करने से नंबर ऑफ सेल्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ सेल्स n जो आएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस नंबर, एंड प्रीवियस में कितना लिया था हमने, तीन लिया था, तो इसलिए छह नंबर ऑफ सेल आएगा। सो सिक्स इज द आंसर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes sir. Did you all understand? Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये पॉपुलर सा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। क्वेश्चन की तरह Another question is to separate heater coils when connected across same supply take time T1 and T2 to bring to boiling condition for same amount of water taken from same reservoir. Find the time taken if both the heater coils are used simultaneously in pehla series combination and dusra parallel combination. पहले उन्होंने दोनों ही हीटर कॉइल को अलग अलग यूज किया है और देखा कि पानी को बॉइल करने में टाइम T1 T2 लग रहा है, और दूसरी बार वो पूछ रहे हैं हमें कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करें और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करें एक साथ तो फिर उस केस में कितना टाइम लगेगा। और फाइंड करते हैं, पहले जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं कि हीट करने में टाइम कितना लगेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड अगर निकालें तो ये होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी याद है लास्ट क्लास में, कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सबको हम वोल्टेज सेम देते हैं, सेम सप्लाई में ही डालते हैं, आपको याद है? Do you remember? Yes, sir. तो सप्लाई वोल्टेज जो भी होगी, सप्लाई वोल्टेज क्योंकि दोनों को इंडिविजुअली हमने अलग अलग कनेक्ट किया था, तो वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल होगी, ये होगी पावर, एंड इसके साथ आप टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को सेम रिजर्वायर से ले रहे, मतलब सेम इनिशियल टेम्परेचर पे है, तो सेम इनिशियल टेम्परेचर से सेम फाइनल टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ वाटर को लाना है तो आपका हीट एनर्जी रिक्वायर्ड तो सेम ही होगा, क्योंकि आप कैलोरीमेट्री के लॉज यूज करोगे तो फिर ms डेल्टा थीटा से टेम्परेचर चेंज करने के लिए, एंड अगर आपको यू नो वेपर स्टेट में ले जाना है तो ml भी यूज करेंगे, तो वो क्वांटिटी फिक्स रहेगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है फ्रॉम सेम रिजर्वायर, मतलब सेम इनिशियल टेम्परेचर के लिए। अब सप्लाई वोल्टेज तो हम चेंज कर नहीं रहे, वी आर नॉट चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज भी फिक्स्ड है, वी सप्लाई जो है दैट इज आल्सो फिक्स्ड, ये चेंज नहीं कर रही है। तो इसको देख के अब आपको क्या पता चल रहा है कि डेल्टा टी बाई आर ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आएगी, मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो टाइम कम लगेगा। सिंपल सा मतलब यही आया। अब सिंपल सा इसको यूज करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इन सीरीज अगर बात करें, इन सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी जाती है, R1 प्लस R2, एंड रेजिस्टेंस अगर R1 प्लस R2 हो गया तो टाइम भी इस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगी इस तरह। दूसरे केस में सोचें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे, एंड इसका मतलब टाइम के लिए भी लिखेंगे तो 1/T इक्विवेलेंट या रादर TP लिख लेते हैं, and that will be 1/T1 plus 1/T2 ho jayegi, and therefore TP ki value will be T1 T2 divided by T1 plus T2 ho jayegi. So this is even lesser than
t1 and as well as t2. T1 t2 by t1 t2 will t1 t2 by t1 plus t2 will be lesser than t1 as well as lesser than t2. मतलब ये t1 से भी छोटी है और t2 से भी छोटी है. अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं कि ये सच में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था. अगर आप सोचोगे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन जब उसने लिया तो ये रेजिस्टेंस एक हीटर कॉइल का, ये दूसरा कॉइल है और यहाँ पे उसने सप्लाई से कनेक्ट किया, सेम सप्लाई कनेक्ट किया ऐसा. तो अगर आप देखोगे तो पहले इंडिविजुअली ये दोनों हीटर कॉइल 200 मतलब जैसे जो भी सप्लाई वोल्टेज था उस सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड थे, मतलब वोल्टेजेस ज्यादा थे पहले, मतलब इंडिविजुअली जब कनेक्टेड थे. बट अभी जो वोल्टेज है इंडिविजुअली दोनों को वो सप्लाई वोल्टेज का नहीं मिल रहा है. मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1, दिस इज ऑल्सो लेस देन सप्लाई वोल्टेज. एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये भी, दिस इज ऑल्सो लेस देन सप्लाई वोल्टेज. और अगर सप्लाई वोल्टेज से कम का वोल्टेज मिल रहा है उनको, तो ऑब्वियसली उसमें जो पावर जनरेशन होगा, थर्मल पावर जनरेशन होगा, वो आपका पहले के जितना नहीं होगा. और पहले के जितना थर्मल पावर जनरेशन नहीं हो रही है इसलिए आपको क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड टाइम बीइंग टेकन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल टाइम. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को ही पहले के जितना ही सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है. मतलब इंडिविजुअली जब ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, तब की जितनी सप्लाई वोल्टेज उनको मिल रही थी, पैरेलल में कनेक्ट करने से भी उनको उतना ही सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि ये लोग डायरेक्टली ही अपने सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है. इसका मतलब ये है कि पहले इंडिविजुअली जिस रेट से वो लोग हीट जनरेट कर रहे थे अपने अक्रॉस, बाद में भी उसी रेट से ही हीट जनरेट कर रहे हैं. और अगर बाद में भी सेम रेट से हीट जनरेट कर रहे हैं और दोनों एक साथ जनरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कम टाइम में मिल जाएगी, इसीलिए आपका क्या होगा, कम टाइम लगेगा उसको. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एनालिटिकली कि टाइम ज्यादा क्यों हो रहा है और कम क्यों हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद ही रखिएगा. ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टाइम t1 plus t2 हो जाती है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टाइम t1 t2 by t1 plus t2 हो जाती है. ये थियोरेटिकल चीज पढ़ा रहा हूं, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर. आप लोगों ने घर में फ्यूज देखा है कभी, घर के स्विच बोर्ड में या मेन सप्लाई के पास में फ्यूज वायर देखा है? यस सर. फ्यूज कैसा दिखता है? एक क्यूबिकल, मतलब स्विच बोर्ड में देखोगे तो एक 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 रेक्टेंगल के जैसा, मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है जो लगा होता है. और उसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे, तो रूम का सारा चीज बंद हो जाता है ना. जिस भी रूम का फ्यूज वायर आप निकालोगे तो सारी चीज बंद हो जाती है. और सारी चीज बंद होने का मतलब क्या है कि सभी चीज को जो करंट मिल रही थी वो इसके थ्रू ही मिल रही थी. क्योंकि अगर इसके थ्रू पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी के थ्रू भी पास नहीं कर रहा है. यही तो मतलब निकलता है ना. तो बेसिकली ये बेसिकली एक एंट्री पॉइंट ऑफ करंट है, मतलब उस रूम के लिए या आपके हाउस होल्ड के लिए. आप समझ सकते हैं, अगर हाउस होल्ड में मेन सर्किट बोर्ड के पास में बात करेंगे तो ये एंट्री पॉइंट ऑफ करंट होगी. इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको. सॉरी. जो मेन स्विच बोर्ड में आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं उसको उसके दिखा रहा हूँ. थोड़ा बड़ा स्विच, वो बड़ा सा फ्यूज होता है, बट प्रिंसिपल एक ही है. अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है. होता है ना, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है. Yes, अब इसका काम क्या है, अब उसकी बात करते हैं. इसका काम बेसिकली आपके सर्किट के, मतलब जो आपके जो भी घर में अप्लायंसेस हैं, उस अप्लायंसेस को सेफ रखना बेसिकली इसका काम है. जैसे कई बार क्या होता है ना कि घर सर्किट घर में, मतलब किसी एक कोई भी एक सर्किट कंपोनेंट, जैसे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है. शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा उसमें.
तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में उसका मैक्सिमम सेफ करंट से ज्यादा करंट अगर फ्लो करे तो पक्का है उसका कॉइल वगैरह तो जल जाएगा। आप तो कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका जो सर्किट है वो सर्किट में जो भी चीज आपने कनेक्ट किया है वो खराब हो जाए, आप कभी भी नहीं चाहोगे। तो इसको बचाने के लिए आप क्या करते हो, ये फ्यूज वायर लगाते हो। अब ये फ्यूज वायर उसको प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये बेसिकली उसके लिए एक तरह का यू नो एंट्री, जैसे ये मैंने आपको समझाया कि ये एंट्री पॉइंट पे ही, जैसे करंट जिस घर में आप ला रहे हो ये एंट्री पॉइंट पे ही ये उसको मिलेगा। तो ये एंट्री पॉइंट पे है मतलब करंट पहले इसके थ्रू जाएगी, उसके बाद फिर आपके रूम में बाकी सब सर्किट कॉम्पोनेंट्स के पास जाएगी। अब ये हमने एक ऐसा वायर चूज कर रखा है जिसकी मतलब जो ऐसा वायर चूज कर रखा है कि जो उतना ही मैक्सिमम सेफ करंट सह सके, जो कि आपके रूम में सबसे कम सेफ करंट वाला डिवाइस है। जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं कि एक बल्ब है, जस्ट मैं एग्जांपल पे बोल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं एक बल्ब है जो 1 एम्पियर का करंट कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम, एक फ्रिज है जो 2 एम्पियर का मैक्सिमम करंट सह सकता है, और दोनों को ही करंट जो मिलेगी वो इस वायर के थ्रू ही मिलेगी। तो अब हमने क्या किया, अगर हमने सोचा कि अगर मान लो कि 1 एम्पियर से ज्यादा का करंट अगर इस फ्यूज वायर के थ्रू फ्लो कर जाए तो फिर ये फ्यूज वायर जो है गर्म होके इसको गल जाना चाहिए, मतलब कि ये टूट जाए, बेसिकली मेल्ट होके टूट जाए। तो अगर मेल्ट होके टूट जाएगा तो उस केस में तो बाकी डिवाइस तो सेफ रह जाएगा ना आपका, समझ आ रही है? Yes, तो ये बेसिकली एक्सेस हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये मेल्ट कर जाता है और इसी वजह से आपके बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो आपके सेफ हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वायर जो है वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसकी मेल्टिंग पॉइंट आपकी लो होनी चाहिए। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, व्हाट वी डिड इज कि मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने इसमें करंट आई फ्लो करा रखा है, लेट अस से कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से कितना करंट रेटिंग के साथ कितना रेडियस या लेंथ हमें वायर का चूज करना है इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस सी कि इसका हम थोड़ा सा एग्जैजरेटेड व्यू ड्रॉ करते हैं, इस पार्ट को हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करके देखते हैं, जूम इन करते हैं इसको। सो वायर तो इतना पतला सा नहीं है, वायर तो थोड़ा सा थिकनेस होगा। सो ये थिकनेस है वायर की, ये डायमीटर दिखा देते हैं, दिस इज 2R, एंड ये वाली जो लेंथ हमने दिखा रखी है, लेट अस से दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, एंड इसमें हमने ये करंट दिखा रखा है नीचे की तरफ, I फ्लो कर रही है, दिस करंट इज I। तो इसमें जिस रेट से थर्मल पावर जनरेट हो रही होगी, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ थर्मल पावर इसको PTH लिख लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं? Yes, sir. अब इसको लिखा I स्क्वायर इनटू रो L बाई A, A में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब सोचो इसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, बट साइमल्टेनियसली ये वायर जो है वो थर्मल एमिशन भी तो करेगा ना, करेगा या नहीं? इसके साइड वॉल से सोचो, इसके साइड वॉल से सोचो, थर्मल एमिशन हो रही होगी नहीं हो रही है? हो रही होगी नहीं? Yes, sir. ये जो ऑरेंज कलर से मैं दिखा रहा हूं ये थर्मल एमिशन है, दिस इज थर्मल एमिशन, मतलब रेडिएशन वाला पार्ट जो है। तो सोचो अगर मैं बोलूं कि अगर सोचो कि आप अंदर से मतलब करंट पास करा के आप क्या कर रहे हो, हीट जनरेट करा रहे हो, और इसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर रही है, टेम्परेचर राइज करने से थर्मल एमिशन भी बढ़ रहा है। बट अगर थर्मल एमिशन लगातार बढ़ता चला जाए तो उस केस में उसकी टेम्परेचर भी तो बढ़ती जाएगी, मतलब हीट जनरेट होने से मतलब अंदर में जो हीट जनरेट कर रहे हो आप उसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज करने से थर्मल एमिशन भी तो बढ़ता जाएगा, होगा नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप, तो टेम्परेचर राइज करने से उसकी थर्मल एमिशन भी बढ़ती चली जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब स्टेडी स्टेट भी आ जाएगा। अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो स्टेडी स्टेट में उसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे आप? स्टेडी स्टेट में जिस रेट से थर्मल पावर जनरेट हो रही है और जिस रेट से वो थर्मल पावर रेडिएट कर रहा है वो दोनों सेम हो जाएगा, तभी तो स्टेडी स्टेट आएगा, मतलब टेम्परेचर उसके बाद चेंज नहीं कर रही होगी, है ना? Yes. So, rate of thermal emission अगर लिखें, rate of thermal emission
इसको पी रेडिएशन लिख लेते हैं. सो रेडिएशन पावर आएगी सिग्मा ई ए. एरिया जो लेना पड़ेगा आपको कर्व सरफेस लेना पड़ेगा. सो कर्व सरफेस इज 2 पाई आर इनटू एल एंड इनटू टेंपरेचर का पावर 4. एंड अगर स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, एट स्टेडी स्टेट टेंपरेचर बिकम्स कांस्टेंट. टेंपरेचर अगर कांस्टेंट हो जाएगी और वो मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो उसके बाद फिर और वो मेल्ट नहीं करेगा. टेंपरेचर बिकम्स कांस्टेंट. सो देयरफॉर अगर मैं लिखूं तो हम लोग ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ई इनटू 2 पाई आर एल इनटू टी टू द पावर 4. ये लेंथ और ये लेंथ कट गया. लेंथ कटने से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि फ्यूज वायर के लिए लेंथ कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता. लेंथ इज इमटेरियल. आप छोटा लेंथ का लो या बड़ा लेंथ का लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड बाकी एक्सप्रेशन को अगर अलग करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है सिग्मा ई इंटू पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू टेम्परेचर का पावर 4 डिवाइडेड बाय रो इंटू आर क्यूब आ रही है. ब्रैकेट में जो टर्म लिखा है वो सारी चीजें कॉन्स्टेंट होगी क्योंकि टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट हो ही चुका है. बाकी सब चीज तो वैसे भी कॉन्स्टेंट ही है. बस यहाँ पे अब आपको जो दिख रही है वो ये आ रही है कि आई स्क्वायर की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रही है. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखनी है. फ्यूज वायर के लिए जो करंट का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस होनी चाहिए. तो अगर आप मैक्सिमम सेफ करंट को, जैसे किसी ने बोला कि मैक्सिमम सेफ करंट को, मुझे सपोजली मैक्सिमम सेफ करंट को किसी ने बोला 8 गुना इंक्रीज करना है, 8 गुना इंक्रीज करना है, तो रेडियस ऑफ वायर जो फ्यूज वायर हमने यूज किया उसको किस रेट से चेंज करोगे? तो आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर क्या 64 का क्यूब रूट ले लो. क्यूब रूट लोगे तो 4 आएगा. इसका मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस को आपको 4 गुना लेना पड़ेगा. समझ आई आपको? ऑल्सो आपको ये भी याद रखनी है कि करंट की रेटिंग की वैल्यू लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. एल का पावर कितना है? 0 आया ना? यस सर. राइट, सो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे. अभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम. मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम. ये रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर का है. हमें ये फाइंड आउट करनी है कि इसमें ये जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसको मैक्सिमम पावर कब मिलेगी. मैक्सिमम पावर हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, कितनी हो सकती है? तो अगर मैं यहाँ पे इसकी करंट निकाल लूँ पहले, तो करंट की वैल्यू विल बी ईएमएफ बाय आर प्लस आर एंड देयरफॉर पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बोलो, या पावर कंज्यूम बाय लोड रेजिस्टेंस बोलो. लोड रेजिस्टेंस मतलब जो कैपिलर दिख रखा है वो लोड रेजिस्टेंस है. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है वहां पे. सो पावर कंज्यूम बाय लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकती है. सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लो, पी की वैल्यू लिख सकते हैं. पी की वैल्यू विल बी करंट मतलब ई एम एफ बाई आर प्लस आर का स्क्वायर एंड इंटू आर. यार ये अब इसमें इस दो चीजें देखो. अगर नॉर्मली क्या होता है कि बैटरी आपने फिक्स कर रखा, मतलब सप्लाई जो सोर्स है वो आपने फिक्स कर रखा है और जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है उसको वेरिएबल रख रहे हैं. मतलब अगर लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं. सो इफ लोड रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल, आर इज वेरिएबल, अगर वेरिएबल है और आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करोगे, dp by dr equal to zero करोगे या नहीं? At maximum power करोगे या नहीं? Yes sir. Right, तो उसको differentiate करके equal to zero करो. E square तो वैसे ही constant है. So differentiation आपको करना है d by dr of r into r plus r का power minus 2. This is equal to zero. Simple से differentiation है. So r का differentiation 1 हो जाएगा. So 1 into 1 by r plus r का square
n plus r into minus 2 and divided by r plus r का क्यूब हो जाएगा. This will be equal to 0. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. एंड अगर आप देखोगे तो r plus r minus 2 r equal to 0 आ रही है. मतलब small r equal to capital r आ रही है. यार ऐसे लिखना, उल्टा लिखना चाहिए हमें. Capital r equal to small r आ रही है. दिख रही है आपको? दिख रही है? Yes, sir. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सिंपल सा रूल है. मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन ये कहता है कि कभी भी अगर आपको किसी भी वेरिएबल रेजिस्टर को अगर आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई करना है एक सर्किट में, तो इस सर्किट की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू से आप लोड रेजिस्टेंस को मैच करा दो. अगर आपने ये मैच करा दिया तो जो पावर सप्लाइड होगा उसको वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. समझ आइए आपको क्या बोला मैंने? Yes, sir. You all understand? Yes, sir. Okay. So maximum power transmission theorem states max power transmission theorem. PTT matlab power transmission theorem. Okay. Max PTT states that if maximum power is to be supplied to a variable resistor. Then this resistance should be equal to the internal resistance of the circuit. Internal resistance of circuit measured across its terminals. ठीक है. अब इसमें अगर किसी ने अगर आपको ग्राफ पूछा, जैसे मान लो यहाँ पे पी पूछ ले रहे हैं और यहाँ पे कैपिलर ले रहे हैं, कैपिलर और पी का ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक्सप्रेशन देखो. पी का एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में भी आर है, डिनोमिनेटर में आर प्लस आर का स्क्वायर है. अगर आर की वैल्यू हम जीरो ले लें, कैपिलर की वैल्यू जीरो, तो पावर जीरो हो जाएगा. Yes, होगा. और वो लॉजिकल भी है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है अगर, तो फिर पावर किसको सप्लाई करेंगे? तो वो जीरो आ जाएगा. और अगर R की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लें तो भी ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि R अगर इनफाइनाइट होगा तो करंट जीरो हो जाएगा. और अगर करंट जीरो हो जाएगा मतलब कि करंट ही नहीं है, तो फिर हीट एनर्जी कहां से डिसिपेट होगी? तो भी जीरो आएगी. सो एक पावर की वैल्यू जो आप देख रहे हो कि जीरो से स्टार्ट करके फिर वापस से इन्फिनिटी रेजिस्टेंस पे वापस से जीरो पे पहुंच जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की पावर की वैल्यू जीरो टू जीरो वेरी कर रही है. अगर पावर जीरो टू जीरो वेरी कर रही है तो बीच में कहीं ना कहीं तो वो मैक्सिमम हुआ है या नहीं है? Yes, sir. तो इसकी ग्राफ अगर प्लॉट करो कैसा दिखना है? ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट पे इसको मैक्सिमम पे पहुंचाएंगे, एंड देन मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर ये डिक्रीज करेगा, एंड असिम्प्टोटिकली ये जीरो हो जाएगा. असिम्प्टोटिकली मतलब ये कभी टच नहीं करेगा रेजिस्टेंस वाली एक्सिस को, ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा. एंड जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हुआ है वो वाली पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू, हमारी कैपिलर की वैल्यू हमने स्मॉल आर से इक्वेट किया है. अगर मैक्सिमम पावर आप निकालोगे इस केस में, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? पी मैक्स अगर निकालोगे तो पी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? So P max will be, क्या था हमारे पास? EMF by resistance total, current निकालने के लिए, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा, इसका square करना है and into R ले लेना है, दोनों R तो same ही है, तो कितनी आ रही है? E square by 4R आ रही है. इसका मतलब जो maximum power आप एक circuit में एक battery से obtain कर सकते हैं वो EMF का square divided by 4R obtain कर सकते हैं. ठीक है, उससे ज्यादा obtain नहीं कर सकते. Okay, ये तो हमने तब किया जब हमने capital R को variable रखा था. अगर मान लो कि हम कैपिटल आर को फिक्स कर देते हैं, लेट अस से कि कैपिटल आर इज अ फिक्स वैल्यू, कैपिटल आर को फिक्स कर दिया, और इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस को ही वेरी करें, मतलब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको वेरिएबल रखो. अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखोगे और इस बार हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन में वेरिएबल इज ओनली इन डिनोमिनेटर. दिख रही है आपको? ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का स्क्वायर इनटू आर. कैपिटल आर इज नॉट अ वेरिएबल नाउ, स्मॉल आर इज अ वेरिएबल, सो वेरिएबल इज ओनली इन डिनोमिनेटर नाउ. राइट? यस सर. एंड वेरिएबल अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब है कि अगर p max चाहिए तो डिनोमिनेटर मुझे मिनिमम चाहिए. Isn't it? Yes, sir. और मिनिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा? कैपिटल r. क्योंकि जब स्मॉल r की वैल्यू को आप जीरो ले लोगे, स्मॉल r की वैल्यू को अगर आपने जीरो ले लिया तो डिनोमिनेटर तो मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाएगा. समझ आई आपको? Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. तो फिर अगर मैं स्मॉल आर के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, स्मॉल आर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं,
तो स्मॉल आर की वैल्यू को अगर हमने जीरो ले लिया तो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा, और जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे हमें वैल्यू आपका डिक्रीज करता हुआ मिलेगा, ठीक है। सो ये सेकेंड पार्ट है। सो नाउ ये सेकेंड पार्ट के लिए लिख रहे हैं, इफ स्मॉल आर इज अ वेरिएबल, इसको पार्ट वन ऐसे ठीक है ऐसे लिख रहे हैं, इफ स्मॉल आर इज वेरिएबल एंड कैपिटल आर इज फिक्स्ड देन फॉर p equal to e by r plus r ka square into r to be max, r plus r should be minimum, therefore small r should be minimum and iski value aapki zero nahi chahiye, theek hai। matlab ki is bar aap kya seekh rahe ho, agar internal resistance khud variable hai तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको क्या रखना है, मिनिमम रखना है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है, तो उसको लेके ही आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। समझ आई? यस सर। ठीक है, और आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट ले लोगे तब तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो फिर उस केस में आपका पावर सप्लाइड आपको जीरो मिलेगा। बाकी अदरवाइज आप जब ग्राफ इसका प्लॉट करोगे, पावर अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम पावर मिल रही है एंड फिर यहाँ पे ये डिक्रीज होके जीरो हो जाएगी। दिस इज पी मैक्स एंड पी मैक्स इज ई स्क्वायर बाय कैपिटल आर। आई होप यू गॉट इट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन दिखाने से पहले पहले आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मेजर्ड अक्रॉस टू टर्मिनल्स लिखा बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, लास्ट लाइन चेक करो इसका, देन दिस रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मेजर्ड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सर्किट का उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे इस सर्किट में देखो, रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स को अगर मैं नाम दे दूं ए एंड बी, ठीक है, इसको ए एंड बी नाम देते हैं, तो टर्मिनल्स ए एंड बी के अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया उसको रिमूव कर दो, उसको रिमूव करो। अब आपको क्या दिख रहा है, एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है ये नहीं है, दिख रही है आपको? यस। बैटरी तो बेसिकली करंट सप्लाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट उसकी वजह से तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगी, रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रोलाइट का है। ईएमएफ चेंज करने से क्या रेजिस्टेंस चेंज होगी इंटरनल रेजिस्टेंस? नहीं सर। अगर 15 वोल्ट लिख दूं या 12 वोल्ट लिख दूं उससे क्या स्मॉल आर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो बैटरी की ईएमएफ पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है, और बैटरी की ईएमएफ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो हम बैटरी के ईएमएफ को हटा के सिर्फ रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। मैंने आपको तो रेजिस्टेंस सिर्फ निकालने बोला है, करंट वगैरह निकालने नहीं बोला है। तो फिर बैटरी के ईएमएफ को, बैटरीज को, बैटरीज का जो भी ईएमएफ दे रखा है उसने, उसको हटा के हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस भी तो इमेजिन कर सकते हैं ना यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ऐसा सोचो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू स्मॉल आ रहा है। क्या कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। मतलब जो बैटरीज है उस बैटरीज को आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब बैटरी का ईएमएफ गायब कर दो। मतलब जैसे इसके साथ ऐसे सोचो कि एक आइडियल बैटरी और एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर का है, और आइडियल बैटरी को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसे सोचो। डू यू अंडरस्टैंड? नो। ठीक है, तो यही काम आपको करना है, यू नो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालने के लिए। मैं यहां लिखता हूं, अब देखो ध्यान रखना, मेथड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस of circuit measured across two terminals say A and B. So the first step is remove ya replace keh lo all ideal batteries with or short circuited wire
wire. And practical batteries with a resistance equal to its internal resistance. Its internal resistance. ये पहला स्टेप है. उसके बाद अब आपका पूरा का पूरा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा सिंपल रेजिस्टेंस के नेटवर्क में. दिस रिड्यूसेस द नेटवर्क इनटू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. हेंस कैलकुलेट आर इक्वल. Calculate equivalent resistance across A and B, and this will be equal to the internal resistance. This will be equal to the internal resistance of circuit across A. समझ आई आपको? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप बेटर क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन करते हैं तो मुझे क्वेश्चन करने दीजिए, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा. आपको थ्योरी पार्ट थोड़ी तो समझ आ गई होगी. अब क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो एक ऐसा सिचुएशन है say this is 10 volt, 4 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 20 volt, 10 volt, 3 ohms, and R. ठीक है. चलिए देखो जी. Now the question says, find the value of R such that maximum power is consumed by R itself. And dusra, ye right side mein jo 3 ohms connect kar rakha hai isko R1 kehlete hain. वहां पे लिख लेते हैं R1. ठीक है. सो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड एक केस में आपको R के क्रॉस निकालनी है और दूसरे केस में R1 के क्रॉस निकालनी जो कि 3 ओम्स फिक्स्ड है. ठीक है. अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम कैसे यूज करेंगे आपको बताते हैं. फर्स्ट केस में जिसको हमें मैक्सिमम पावर सप्लाई करनी है वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है? फर्स्ट केस में जिसे हमें मैक्सिमम पावर सप्लाई करनी है वेरिएबल है. दिख रहा है आपको? यस सर. वेरिएबल वाले के लिए हमने क्या सीखा था? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से मैच कर जाएगा तो फिर मैक्सिमम पावर सप्लाई मिलेगा. है ना? यस सर. बस आपको क्या करना है, इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस निकालना है और उसको इक्वेट कर देना है कैपिटल आर से. दैट्स इट. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट के लिए इसके टर्मिनल्स को ए एंड बी नाम दे रहा हूँ. ठीक है. ये टर्मिनल्स ए एंड बी नाम दे रहे और इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं. रीड्रॉ करते वक्त आपको जो सिखाया था कि बैटरीज को आपको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, बैटरीज को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा अच्छे इसको यहाँ से दिखा देते हैं. जैसे से एक मिनट के आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है, मेरे पास तो है. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बैटरीज को शॉर्ट कर रहा हूँ.
भाई, इसको भी तो हटाना है। ये देखो बैटरीज को शॉर्ट करेंगे, ये बैटरी को शॉर्ट किया, ये बैटरी को शॉर्ट किया और ये बैटरी को शॉर्ट किया। ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं। अब क्या आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालना आ रहा है? कैन यू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस? 4 इन सीरीज विद 2, सॉरी 4 इन सीरीज विद, ये ऊपर में 2 3 3 कहां ठीक है, 4 इन सीरीज विद 2, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद 3 एंड दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद 3, ये होगा यस यस यस। ये कितनी आ रही है, 5 ओम्स आ रही है क्या? आर ये 5 ओम्स? 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा, 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम मैक्स पीटीडी, फ्रॉम मैक्स पीटीडी, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम, क्या कंडीशन था हमारा? कैपिलर का वैल्यू स्मॉल आर से मैच करना चाहिए था और ये 5 ओम्स, ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, समझ आई है सभी को? यस। अब सेकंड पार्ट है। हां बोलिए। The short circuit मतलब all the current will flow through the wire, like there will be no resistance in the wire. अगर resistance होता तो फिर current नहीं flow करता। Sir मतलब open circuit का जो opposite है वो short circuit है। Open circuit में open circuit का मतलब current flow नहीं करेगा। Short circuit का मतलब current flow करेगा। Yes. मतलब potential difference आपको zero करना है। अब सेकेंड वाले पार्ट में उसने जो कह रखा है, देखो सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि R1 जो कि एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्या ये फिक्स वैल्यू है या वेरिएबल है? फिक्स वैल्यू है। इस बार फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई करनी है। तो फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को जब हमें मैक्सिमम पावर सप्लाई करना होता था तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमम करना होता था, याद है आपको? तो इंटरनल रेजिस्टेंस को इस बार मिनिमम करना है, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे इस बार टर्मिनल हमें उल्टा नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे इसके क्रॉस ए एंड बी नहीं लिखेंगे, इस बार टर्मिनल हमें 3 ओम्स के क्रॉस लिखना है। ये टर्मिनल हमारा ए एंड बी होगा। फिर से वही काम करना है, रेजिस्टेंस निकालनी है पहले, तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सब चीजें आपको करना नहीं पड़ेगा, एक बार आप समझ जाओगे तो इतना बैटरी बार बार हटा के डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में जब आप सीखते हो तो फिर आपको ये बेसिक चीजें करनी पड़ती है, बाद में जब आप सीख जाओगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस बार अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालें और ये है हमारे पास 2 इन सीरीज विद 4, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद 3 एंड दिस इन सीरीज विद आर, और ये आ रही है 2 प्लस आर आ रही है, राइट? एंड इस बार हमें क्या करना है, फ्रॉम मैक्स पीडीटी इस बार हमें मतलब कैपलर को स्मॉलर से मैच नहीं कराना है, हमें क्या करना है, आर ए बी को मिनिमम रखना है, याद है आपको, है ना? और मिनिमम तभी होगा ना जब आपका कैपलर कितना होगा, 0 होगा। समझ आ रही है आपको? यस सर। तो कैपलर की वैल्यू को बस 0 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। Two batteries of identical EMF but different internal resistance, small R1 and small R2, when separately
separately connected across capillary, they are found to supply equal power to capillary. Find relation between capillary small r1 and small r2. ये आपको फाइट करनी है. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस स्टैंडर्ड रिजल्ट ही आप यूज कर लो. मतलब सिंपल सा न्यूमेरिकल है. एक बैटरी है और उस बैटरी को जब आप एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो तो फिर कितनी पावर कंज्यूम करता है. तो पावर कंज्यूम करने के लिए क्या निकालते हैं आप, पहले EMF by total resistance, so capillary plus small r करते हैं, इसका स्क्वायर किया एंड देन capillary से मल्टीप्लाई किया. यही कर रहे थे ना? Yes, sir. Right? अब इसमें क्या है, दो अलग अलग केस दे रखे हैं उसने. एक बार उसने कह रखा है आर वन रेजिस्टेंस का है और दूसरी बार कह रखा है आर टू रेजिस्टेंस का है. यही है ना डिफरेंस, देखो एक बार चेक करो. That is the only difference? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से अगर आप देखोगे, अरे एक मिनट, मैंने डेटा गलत दे दिए करके. चलो ठीक है, अभी ऐसे इसी गलत है. तो अगर आप देखोगे तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां से कैपिलर प्लस आर वन की वैल्यू को कैपिलर प्लस आर टू से मैच करा रहे हो. इसका मतलब आर वन और आर टू क्या होना पड़ेंगे, सेम होना ही पड़ेंगे. समझ आ रही है? ठीक है, तो R1 R2 जो उसने कह रखा था डिफरेंट रेजिस्टेंस है, ये डिफरेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं था. देयरफॉर डिफरेंट R1 एंड R2 नॉट पॉसिबल. हाँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर बैटरी की EMF भी अलग होती तो हो सकता था, बट यहाँ पे तो बैटरी का EMF अलग नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा. अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं. इन प्रीवियस क्वेश्चन, if r1 was equal to r2 is equal to r and these batteries supplied equal power to these batteries supplied equal power to two different load resistances capital R1 and capital R2 when separately connected. Alag alag connect kiya tab, separately connected, then find relation between small r, R1 and R2. Small r, R1 और R2 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना. फिर से सेम अप्रोच, पावर कंज्यूम की अगर वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा EMF by R plus R, इसका स्क्वायर इनटू R. इस बार कैपिलर कोई वेरिएबल रखा है तो R1 आएगा फर्स्ट केस में और दूसरे केस में आएगा आपके लिए R2 आएगा. सो EMF by R plus R2 का स्क्वायर into R2 लिखेंगे. EMF का स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो स्क्वायर रूट लेने पे जो वैल्यू आएगी, सो दिस विल बी R plus R2 into root under R1, दैट विल बी R plus R1 into root under R2. वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो स्मॉल आर की वैल्यू को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर वन माइनस रूट अंडर आर टू. एंड आर एच एस में अगर आप देखोगे तो रूट अंडर आर वन आर टू कॉमन ले ले तो ये हो जाएगी रूट अंडर आर वन माइनस रूट अंडर आर टू. ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आर वन आर टू इक्वल नहीं है. एंड देयरफॉर जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर आर वन आर टू. हो गया. ठीक है. यस सर. यस सर.
चलो भी आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिएंट आरसी सर्किट्स, आपको अगर याद हो तो कैपेसिटर्स के चार्जिंग के वक्त मैंने टर्म यूज किया था, ये टर्म एक स्टेडी स्टेट और एक ट्रांजिएंट ड्यूरेशन, आपको याद है? स्टेडी स्टेट का मतलब जब कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट का मतलब जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तब हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट आ गया है, और जिस ड्यूरेशन में उसकी चार्ज वेरिएबल रहती है मतलब जब वो चार्ज हो रहा होता है उस ड्यूरेशन को हम ट्रांजिएंट ड्यूरेशन कहते थे, याद है आपको? ठीक है, तो ट्रांजिएंट आरसी सर्किट का मतलब है कि उस ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में कैपेसिटर आपकी चार्ज हो रही है उस ड्यूरेशन में हमें जब कैपेसिटर के सारी चीजों को कैलकुलेट करना हो, जैसे उसमें कैपेसिटर में चार्ज कितना है या उसके ब्रांच में करंट कितना है, तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। ये वाला पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मतलब एनसीईआरटी में जो चीज नहीं होती है जनरली वो इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, तो इसीलिए ये सेंस उसमें नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, ठीक है? बट फिर भी चांसेस हैं आने के, तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि देखो सिचुएशन आपके पास ऐसा होगा कि एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, और हमने यहाँ पे एक बैटरी ले रखा है, और फिर इसको एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं। इनिशियली हमारा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है, इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं, क्यू आई इक्वल टू जीरो लिखा है, मतलब इनिशियली अनचार्ज है। बैटरी की ईएमएफ को वी मान लेते हैं, ये ईएमएफ मार्क कर रखा है, ठीक है? और इस स्विच को हम क्लोज करने वाले हैं एट टी इक्वल टू जीरो, स्विच को टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्लोज कर दिया। अब हमें टी सेकेंड्स लेटर इसमें सारी चीजें फाइंड करनी है, किसी भी टाइम टी के बाद इसमें चार्ज कितना होगा या करंट कितना होगा, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि किसी भी थोड़े ड्यूरेशन के बाद हमने यहाँ पे करंट दिखा रखा है आई, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा ऑब्वियसली, तो इसमें अगर केवीएल लगाओगे, केवीएल अप्लाई करो, बैटरी के लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से चलना स्टार्ट करो, सो वी माइनस ऑफ आई आर, कैपेसिटर में चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू का आ चुका है, दिस इज एट अ टाइम टी, सो माइनस ऑफ क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू जीरो, चेक करो सही है ना? सही है? यस सर। तो इक्वेशन आ रही है सी वी माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू आई आर, एंड आई आर को आई को हम लिख रहे हैं दिस इज डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चार्जिंग ही है ये, एंड इंटू आर कर लिया, एंड अब वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो डी क्यू डिवाइडेड बाय सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब इसको स्ट्रेट इसको इंटीग्रेट कर ले, इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे कोई चार्ज नहीं थी, एंड आफ्टर टाइम टी जो चार्ज हमने दिखा रखी है वो स्मॉल क्यू दिखा रखी है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ln ऑफ cv माइनस q, एंड q का कोफिशिएंट माइनस वन है तो माइनस वन से डिवाइड होगा, एंड अब आप लिमिट डालोगे जीरो से लेके q तक, एंड दिस विल बी t डिवाइडेड बाय rc। rc एक कांस्टेंट टर्म होगा इस सर्किट के लिए, तो इसको हम एक स्टैंडर्ड सिंबल यहाँ पे tau लिख रहे हैं, जहाँ पे मेंशन कर लेते हैं वे tau की वैल्यू इज rc, दिस इज कॉल्ड एज टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ rc सर्किट। You're supposed to just remember this, ठीक है? कि time constant of RC circuit पूछ रहे हैं, मतलब tau equal to RC निकालना है आपको। तो अब इसमें अगर further expand करें, तो इसको आ जाएगी यहाँ पे ln of, पहले upper limit डाल दे तो CV minus Q, and lower limit डाल दे तो zero, so यहाँ पे divided by CV हो जाएगी। ये minus one को RHS में लेके जा सकते हैं, तो ये जाएगा minus of T by tau आ जाएगा। So यहाँ पे लिख सकते हैं इसको one minus of Q by CV is equal to e to the power minus of T by tau आएगा। So therefore charge at time T अगर लिखें, so this is coming out to be CV into 1 minus of e to the power minus of t by tau आएगा, ठीक है? देखो समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. Okay, आप जैसे यहाँ पे ना दो values डालो time के दो values डालो, t equal to zero डालो, t equal to zero डालोगे तो e to the power zero 1 हो जाएगा, 1 minus 1 zero हो जाएगा, होगा ना? ठीक है? Yes, sir. वो सैटिस्फाई भी कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल चार्ज हमारे कैपेसिटर पे कितना था? जीरो था ना? Yes, sir. अब t equal to infinity डाल दो, infinite time डाल दो, तो e to the power minus infinity becomes 1 by infinity, क्योंकि e का वैल्यू याद है 2.71 के आसपास होता है।
right? So e to the power minus infinity becomes 1 by infinity, that becomes 0. So 1 minus 0 becomes 1. तो चार्ज जो स्टेडी स्टेट पे आएगा, इनफाइनाइट टाइम लेने का मतलब क्या है कि चार्ज हो चुका है कम्प्लीटली, स्टेडी स्टेट आ चुका है. तो स्टेडी स्टेट में जो चार्ज आ रही है वो कितनी आ रही है? सीवी आ रही है. आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, यस सर. अगर ये स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना होता तो क्या आपको ये इंटीग्रेट करके फाइनली इक्वेशन पे आने के बाद ही पता चलता, या कोई आसान तरीका भी था? एक आसान तरीका है, लॉजिकली सोचो. अगर सपोजिटली मैं कह रहा हूँ ये स्टेडी स्टेट आ चुका है, सपोजिटली स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो स्टेडी स्टेट अगर आ चुकी है तो कैपेसिटर में क्या चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है. तो कंप्लीट हो चुकी है तो उसके ब्रांच में कोई करंट नहीं हो सकता. यस सर. और अगर उसके ब्रांच में करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं है? यस सर. इसका मतलब रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा. तो रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी का ईएमएफ है, वो दोनों सेम हो गया ना, देखो तो. यस सर. तो अगर EMF और EMF जो है वो V है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी V हुआ, तो फिर स्टेडी स्टेट का चार्ज कितना होगा? CV होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. समझ आई आपको? Yes, sir. ठीक है, तो this is an easier way to find out. तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टेडी स्टेट का चार्ज इसे फाइंड करना है आपको, इफ यू आर सपोज टू फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सब डिफरेंशिएशन करके, मतलब जो इंटीग्रेशन करके किया है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू सपोज टू डू इज आप बस कैपेसिटर के टर्मिनल्स को ना ओपन कर देना. ओपन करने का मतलब क्या है कि वहां पे कैपेसिटर के टर्मिनल्स को नाम दे दो ए एंड बी, और ए बी से कैपेसिटर को उड़ा दो. अगर कैपेसिटर को उड़ा दिया तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा? खुद ही सोचो लॉजिकली, फ्लो करेगा क्या करंट? नहीं. और करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना ए बी के अक्रॉस. कैन यू रिपीट दिस अगेन? मैंने बोला कि यहाँ पे कैपेसिटर के टर्मिनल्स को आप नाम दे दो, इसके नाम दे दो ए एंड बी, और AB के बीच से आप क्या करो, कैपेसिटर को रिमूव कर दो. स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ. AB को रिमूव कर, AB के अक्रॉस जो C कनेक्टेड है उसको हटा दो. तो हटा दोगे तो वायर नहीं रिप्लेस करना वहां पे, उसको ओपन ही रहने दो. तो ओपन रहने से क्या करंट फ्लो करेगा वहां पे? नहीं. तो ओपन होने से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो अब AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो तुरंत निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये सिंपल रेजिस्टेंस एंड बैटरी का कॉम्बिनेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे. एंड वंस यू गेट पोटेंशियल डिफरेंस, वही स्टेडी स्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. एंड स्टेडी स्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता है, इफ यू नो द स्टेडी स्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस, देन चार्ज भी आपको मिल जाएगी. ठीक है, ठीक है. चलो, ये तो हमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला. इसको मैं ऐसे, इसी को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लेता हूं. इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू QSS into 1 minus of e to the power minus of t by tau. ठीक है, ये दिस इज चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, आपको इंटीग्रेशन का तरीका याद नहीं रखना है, आपको ये यू नो लास्ट इक्वेशन याद रखनी है. यहाँ पे ये मेंशन कर लेते हैं, QSS इज स्टेडी स्टेट चार्ज. स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे फाइंड करते हैं ये लास्ट में एक बार लिखा दूंगा आपको. ठीक है, अब हमें करंट फाइंड करनी है. सो देयरफॉर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो dQ by dt करेंगे. dQ by dt किया तो QSS और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस t बाय टाउ विद माइनस ऑफ 1 बाय टाउ. सही है ना? देखो, चेक करो. सही है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. QSS की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये CV थी, एंड टाउ की वैल्यू RC थी, एंड ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ. C तो कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड ये आ जाएगी V बाय R into e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ आएगी. ठीक है. Yes. अब यहाँ पे इस इक्वेशन में t की वैल्यू को जीरो डालो. अगर t की वैल्यू आपने जीरो डाली तो करंट कितनी आ रही है? V by R आ रही है. Yes, और t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट डाल दी तो करंट कितनी आएगी? जीरो. अब ये क्या हमें, अगर हमें सपोजली इनिशियल करंट t इक्वल टू जीरो का करंट उसने पूछा होता, तो अगेन क्या हमें ये पूरा का पूरा मेथड करना था? एक बार सोच के देखते हैं, सर्किट पे वापस जाते हैं. तुम सोचो, जब हम t इक्वल टू जीरो पे हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, तो क्या हमारा कैपेसिटर में कोई भी चार्ज था? नो सर. नहीं, कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं थी. और अगर कैपेसिटर में चार्ज नहीं थी तो क्या उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस था? नो सर. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो क्या हम उसको उस इंस्टेंट पे, t इक्वल टू जीरो पे मैं बात कर रहा हूँ, उस इंस्टेंट पे क्या हम उसको एक शॉर्ट सर्किटेड वायर की तरह नहीं सोच सकते थे? क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड वायर के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. तो अगर शॉर्ट सर्किटेड वायर से उसको रिप्लेस कर देते तो अब करंट कितना दिखता? एक लूप में एक बैटरी है में V का और रेजिस्टेंस R का, और बाकी और कुछ है ही नहीं.
तो फिर उसके इसमें करंट कितना मिलता है आपको, वी बाई आर का मिलता है या नहीं मिलता? Yes. समझ आई आपको? सो दैट इज द मेथड टू फाइंड आउट द इनिशियल करंट ऑफ द सर्किट इन द कैपेसिटिव सर्किट्स. तो इनिशियल करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको शॉर्ट कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देना है और वी बाई आर अकॉर्डिंगली आप मिल जाएगा आपको तुरंत. ठीक है? Yes. ठीक है. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज की है बट करंट की वैल्यू डिक्रीज की है ना? है ही नहीं है? अगर आप देखोगे तो करंट की जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसी है, अगर करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे आप तो ऐसा आएगा, दिस इज आई नॉट, ये आई नॉट मतलब इनिशियल करंट, ठीक है, इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाय टाउ आ रही है. तो करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली जबकि चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. अब ये वैसा ही सिचुएशन है जैसे अगर मैं ये बोलूं कि आप सोचो कि अगर इमेजिन करो कि कैपेसिटर इनिशियली पूरा खाली है, तो कैपेसिटर इज अ टैंक विच स्टोर्स चार्ज, बेसिकली ऐसे सोचते हैं. तो आप खुद ही सोचोगे, देखो जैसे अगर इमेजिन करो कि आपका पेट पूरा खाली है, ठीक है, एंड आप खाना खाने के लिए बैठते हो, इमेजिन करो पेट पूरा खाली, जैसे कि आप दो दिन से खाए नहीं हो एंड आपके टेबल पे खाना रख दिया गया है, ठीक है, आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी खाना शुरू करोगे ना, जल्दी जल्दी खाओगे इनिशियली या स्लो स्लो खाओगे? जल्दी जल्दी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पेट खाली है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी खाना शुरू करोगे तो आपका पेट भरता जाएगा. यस राइट, पेट भरता जाएगा, पेट भरता जाएगा, बट आपका रेट ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनिशियली जितना था क्या बाद में उतना ही रहेगा? जैसे अगर हमने खाना शुरू किया जब तब तो हम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे, बट पांच मिनट बाद में मेजर करूंगे तो क्या उतना जल्दी जल्दी खाऊंगा मैं या स्लो रेट से खा रहा हूँ? स्लो हो जाएगा. बट खाना तो लगातार बढ़ रहा है ना हमारे लिए, अंदर हमारे अंदर जो खाना जा रहा है वो तो बढ़ रहा है. सो सेम तरीके से यहाँ पे चार्ज लगातार बढ़ रही है बट रेट ऑफ चार्जिंग जो है वो क्या हो रही है, घट रही है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट रेट ऑफ चार्जिंग होती है एंड रेट ऑफ चार्जिंग बेसिकली आपकी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है. यहाँ पे सिंस चार्जिंग का केस है तो फिर उस केस में आपकी घट ही रही है. ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन कर लीजिएगा कि आई नॉट आपका इनिशियल करंट है, इनिशियल करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर. अब मैं आपको ये सारी चीजें जो स्टेडी स्टेट चार्ज है और जो आई नॉट है इनिशियल करंट, उनको निकालने का मेथड लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप इंटीग्रेट करके सब चीजें फाइंड नहीं करते. इसको मैं दो पार्ट में लिख दे रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एट, पहला टी इक्वल टू जीरो, इसको स्विचिंग इवेंट कह रहे हैं, स्विचिंग इवेंट जब स्विच हम क्लोज कर रहे हैं. तो इस इवेंट पे हमारा कैपेसिटर अनचार्ज था, कैपेसिटर वाज अनचार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज जीरो. तो आपका जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स को आप ए एंड बी नाम दे दो और इसको एक शॉर्ट सर्किटेड वायर से रिप्लेस कर दो, दिस इज ए दिस इज बी. बात समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो यहां से आपका ये बिहेवियर है सर्किट में, कैपेसिटर का सर्किट में. सो देयरफॉर दिस विल हेल्प अस, दिस विल हेल्प अस फाइंड आई नॉट, इनिशियल करंट हम यहां से इजीली फाइंड कर पाएंगे. फिर दूसरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट आ चुका होगा, स्टेडी स्टेट. So as capacitor is completely charged, completely charged हो चुका है, तो अब current in branch of capacitor, current equal to zero in its branch, and current अगर zero हो चुकी है तो इसका मतलब उसका behavior कैसा होगा, short circuit की तरह या open circuit की तरह? Open. क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं करने दे रहा है. तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इन टर्मिनल्स को ओपन कर दोगे. ठीक है, अब इसको ओपन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका मिल जाएगा, क्योंकि ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस अब हम इस सर्किट से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. और अगर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया तो स्टेडी स्टेट चार्ज भी सी वी करके लगा लेंगे. सो दिस विल हेल्प अस फाइंड, दिस विल हेल्प अस फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी
एंड हेंस क्यू एस एस इज इक्वल टू सी इंटू वी ए बी कर लेंगे. क्लियर है? ठीक है ना? यस सर. अब आते हैं टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए. अच्छा, टाइम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको बताता हूं पहले. सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट. इसके लिए पहले आपको ग्राफ दिखा देता हूं चार्जिंग एंड चार्जिंग का. ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड यहां पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये क्यू एस एस है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और इनफाइनाइट टाइम के बाद क्यू एस एस पे पहुंचेंगे. और करंट हमारा आई नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक है, अब हम टाउ का सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. एट टी इक्वल टू टाउ अगर बात करें तो e to the power minus of t by tau की वैल्यू को क्या हम e to the power minus वाला लिख सकते हैं? Yes sir. E to the power minus one मतलब 1 by 2.71 आ जाएगा और इसकी वैल्यू approximately 0.37 आती है. ये आपको याद रखनी है. ठीक है, you are supposed to remember this. So therefore charge at t equal to tau बात करें, charge at t equal to tau तो वो कितनी होनी है? QSS into 1 minus of e to the power minus t by tau which is 0.37 and that becomes 0.63 times of QSS. यही चीज़ अगर current at a time tau पूछे आपसे तो रहेगा I naught into e to the power minus t by tau which is I naught into 0.37 so which becomes 0.37 times of I naught. तो अगर इसको graph में show करें तो ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे. This is tau and this is 0.63 times of QSS. And yahi agar current ke liye likhe, this is tau and this is 0.37 times of I naught. To agar aapse koi puche ki time constant ka significance kya hai, to significance is in an RC charging circuit it represents that time duration in which the uncharged capacitor attains 63% of its steady state charge. या फिर current के terms में अगर बोले तो current in the branch of the capacitor drops down to 37% of initial value. बोल सकते हैं देखो charge की value 63% हो गई steady state की जबकि current जो है वो 37% of initial value हो गया है. दिख रही है? Yes sir. But yes, एक चीज दोनों में common है. एक चीज दोनों में common है. देखो अगर आप देखोगे तो charge में change कितने percent का है? 63% का है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टेडी स्टेट. राइट, देखो इंक्रीज कितना क्या है, 63% दिख रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं. और करंट भी अगर आप देखोगे तो चेंज कितने का हुआ है, देखो 0.63 हुआ है. 60 दिख रही है आपको? यस सर. ये देखो ड्रॉप डाउन कितने का किया है, ये ड्रॉप डाउन तो 0.63 का ही है. 0.63 उसमें इंक्रीज किया है 0.63 का चार्ज में और करंट में 0.63 टाइम डिक्रीज किया है. समझ आ रही है आपको? यस सर. ओके, एक चीज और चेक करो. अगर सपोजली मैं टी की वैल्यू को 2 टाउ बिठा दूं, सपोजली टी की वैल्यू को मैंने 2 टाउ बिठा दिया, ई टू द पावर माइनस टी बाय ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू कितना था? 0.37. फिलहाल के लिए 0.37 को हम 0.4 मान लेते हैं. ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन के सिंपलीफिकेशन के लिए. तो 0.4 अगर मैं ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर यू नो माइनस टी बाय टाउ में टी की वैल्यू को 2 टाउ बिठा रहा हूं, माइनस टी के टी की वैल्यू को 2 टाउ बिठा रहा हूं तो e to the power minus 2 आ जाएगा ना? Yes sir. e to the power minus 2 का मतलब है 0.4 का square हो जाएगा. 0.4 का square 0.16 हो जाएगा. 0.16 होने का मतलब है current आपकी 16% of steady state आ चुकी है. या फिर charge की बात करें तो 86% of steady state charge वो attain कर चुका है. 84% of steady state charge कर चुका है. Yes sir. Right? दो time constant में उसने 84% of steady state charge attain कर लेगा. यही चीज अगर आप 5 टाइम कांस्टेंट ले लोगे ना, 5 टाइम कांस्टेंट,
तो 99% से वो ज्यादा टाइम यू नो स्टडी स्टेट का चार्ज अटेन कर लेता है, 99% से ज्यादा अटेन कर लेता है वो स्टडी स्टेट चार्ज. अब पांच टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब कितना है, 5 times ऑफ आरसी है ही नहीं है. एक व्हाट वाज वन टाइम कॉन्स्टेंट आरसी, व्हाट वाज वन टाइम कॉन्स्टेंट आरसी, सो व्हाट इज 5 times कॉन्स्टेंट, 5 times ऑफ आरसी. अब जितने भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू होते हैं, अगर आप याद करोगे कैपेसिटेंस जो आपको मिलता था वो किस ऑर्डर में मिलता था, माइक्रोफराड में, याद है आपको? यस सर. एंड रेजिस्टेंसेस जो आपको मिलेंगे, रेजिस्टेंसेस जो आपको सर्किट में मिलेंगे वो हार्डली आपको यू नो जो आपको मिलेंगे वो किलो ओम्स के रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा मिलेंगे जनरली. आपके जनरली तो ओम्स में होते हैं बट कुछ किलो ओम्स में भी हो सकते हैं. तो किलो ओम्स में अगर होगा तो किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटेंस है माइक्रोफराड का, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना का ड्यूरेशन में टाइम आएगा, 10^-3 में? यस सर. इसका मतलब टाइम कांस्टेंट कितना का है, यू नो 10^-3 मतलब मिलीसेकंड्स के ऑर्डर का आएगा. और टाइम कांस्टेंट अगर मिलीसेकंड्स का है तो इसका मतलब कैपेसिटर को 99% से ज्यादा चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 5 milliseconds के आसपास, मतलब मिलीसेकंड से तो हुआ ना ऑर्डर में. Yes, sir. इसका मतलब कैपेसिटर को जैसे ही आप स्विच में कनेक्ट करते हो, मतलब स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हो, तो ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट. यस सर. राइट, क्योंकि क्योंकि आपकी आंख को ही ब्लिंक करने में तो आप सोचोगे कि 1 second लग जाता है, राइट? मतलब जैसे आप सोचोगे, आप जैसे सोच रहे हो कि मिली सेकेंड्स कितना होता है, तो इतने देर में बहुत सारा मिली सेकेंड्स ऑलरेडी बीत गया है ना, क्योंकि मिली सेकेंड्स इज 1/1000th part of 1 second. तो उतना छोटा ड्यूरेशन में ही बेसिकली आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. ठीक है, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है. ठीक है, इसी वजह से जब भी आपको कैपेसिटर के लिए अगर बोले कि कैपेसिटर में चार्ज कितना है या कैपेसिटर के ब्रांच में यू नो करंट कितना है, ये सब पूछते हैं और आपको ये नहीं मेंशन करते कब का, तो आप हमेशा मान के चलते हैं कि स्टडी स्टेट का ही पूछ रहे हैं, क्योंकि उसको चार्जिंग टाइम जो होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है. समझ आई है सभी को? यस सर. ठीक है, चलो मैं ये मेंशन कर देता हूँ, जो चीजें मैंने बोली आपको वो मेंशन कर देता हूँ एक बार. देयरफॉर टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी चार्जिंग सर्किट रिप्रेजेंट्स दैट टाइम ड्यूरेशन in which charge on capacitor attains 63% of QSS or current in branch of capacitor drops down to 37% of initial value. फिर दूसरी एक और चीज जो ध्यान रखनी है आपको, इन ऑलमोस्ट 5 time constant 5 tau कैपेसिटर अटेन्स more than 99% of QSS. Hence, as resistance is usually less than 10^3 ohms, and capacitance less than 10^-6 farad, thus tau ki value is less than 10^-3 seconds. Therefore, capacitors get almost instantaneously charged. Instantaneously charged. ठीक है, clear है? Okay. अब आते हैं इस पे कि हम टाइम कॉन्स्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे. अगर मान लो टाइम कॉन्स्टेंट ही निकालने के लिए बोल दिया,
एक सिंपल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है तब तो दिक्कत नहीं है, बट अगर एक कॉम्बिनेशन हो गया तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है. दिक्कत है सच, मेजर दिक्कत नहीं है, आपको ऑलरेडी तरीका पता है कैसे करना है. मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, जो टर्मिनल को मैंने ए बी मार्क किया, देखो उस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है. ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको सिखाया ना अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम में. शॉर्ट सर्किट, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो और कैपेसिटर के टर्मिनल को ओपन कर दो, तो क्या दिख रहा है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस आर नहीं दिख रहा आपको, आर राइट, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है. इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो तरीका था वही है. तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है. आपको अगर इस सर्किट का, किसी भी सर्किट का अगर आपको टाइम कॉन्स्टेंट पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर के टर्मिनल्स को नाम दे दो ए बी, कैपेसिटर को रिमूव कर दो मतलब वहां पे ओपन सर्किट कर दो, बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दो, और फिर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकाल लो. एक बार रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मिल गया तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा. समझ आया? Yes, sir. मैं लिख देता हूँ आपको ध्यान देना. देखो, so method to find time constant. Name terminals of capacitor as A and B. Remove capacitor, keeping terminals open. Keeping terminals A and B open. Replace ideal batteries with short-circuited wire. Short-circuited wire and practical batteries with resistance. Practical batteries with their resistance as done in max PTT. As done in max PTT. The last step is find R across AB and fit tau ki value will be R AB into C ho jayega. Theek hai, steps clear hai? Yes, sir. Steps clear hai, sir? Yes, sir. ठीक है, अभी करना सीखते हैं तो फिर आपको क्लियर होता है. अच्छा, चार्जिंग की तरह ही आपका डिस्चार्जिंग का भी सिचुएशन होता है. आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट भी आपको बताई देते हैं. आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट, अब क्या है कि जैसे इमेजिन करो कि आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है, ठीक है, दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर, मान लेते हैं इसमें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आपने चार्ज दे रखा है, एंड आप क्या कर रहे हो, इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करने वाले. अब मैं इसको इंटीग्रेट करके नहीं निकालूंगा, इसको मैं एनालिटिकली करके आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था. तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज करने वाला हूँ टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, दिस इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो. आप ये सोचो कि इनिशियली बात करें तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितने का है, क्यू बाई सी का, कैपिटल क्यू बाई सी, और यही पोटेंशियल डिफरेंस आपके रेजिस्टेंस में भी होगा या नहीं. होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना होना चाहिए, क्यू बाई सी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट. सो एट इक्वल टू जीरो लिखें, एट इक्वल टू जीरो potential difference across resistance is equal to potential difference across capacitance which is Q by C. So therefore initial current jo aegi, I not likh lete isko, initial current ke liye, that will be V across R divided by R, so that will be Q by RC ho jayegi. Sahi hai? Yes, sir. Thik hai. Ab maan lete steady state aa chuka hai. At steady state,
स्टेडी स्टेट में अगर बोले तो कोई करंट फ्लो करेगा क्या इसके ब्रांच में, कैपेसिटर के ब्रांच में? नहीं फ्लो करेगा. सो करंट इन ब्रांच ऑफ कैपेसिटर बिकम जीरो. और करंट अगर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टेंस वो भी जीरो होगा, राइट? यस सर. और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर भी जीरो हो गया. इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर बोले तो वो भी जीरो हो चुकी है ना? हो चुकी है. यस सर. इस बार देखो चार्ज भी आपका कैपिटल क्यू से जीरो पे पहुंच गया है और करंट भी I नॉट से जीरो पे पहुंच गया है. इसका मतलब दोनों ही डिक्रीज किया है ना? क्या नहीं किया? यस सर. तो दोनों का ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इक्वेशन आएगा. अगर कोई चीज इंक्रीज करता तब उसका इक्वेशन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का फॉर्म होता, बट सिंस दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं तो दोनों का ही इक्वेशन ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का फॉर्म आएगा. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो यहाँ पे अगर ये करंट अगर आप आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहे हो और ये चार्ज चेंज करके आप प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दिखा रहे हो, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे कि करंट एट अ टाइम टी कितनी है, तो इसको लिखोगे आप आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ लिखोगे. एंड चार्ज की भी इक्वेशन अगर लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे क्यू नॉट या इनिशियल करंट के लिए कैपिटल क्यू लिख लिया एंड ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ ही लिखेंगे. समझ आई आपको? Did you understand? Yes, sir. Yes. Okay. यहाँ पे बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीज कर रही है ना, तो अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीज कर रही है तो I को हमें dQ by dt लिखना चाहिए या माइनस dQ by dt लिखना चाहिए? माइनस dQ by dt. क्योंकि चार्ज देखो घट रही है, दिख रही है आपको? Yes, sir. है ना? Yes, sir. एक बेसिक सा रूल है देखो, जैसे अगर इमेजिन करो कि आपने अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू एंड यहाँ पे माइनस क्यू दिखा रखा है और करंट आप इधर दिखा रहे हो, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना? हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये चार्जिंग का केस है. समझ आ रही है आपको? तो इस केस में आप आई को जब लिखोगे तो डी क्यू बाई डी टी की तरह लिखते हैं. और अगर उल्टा सिचुएशन दिखा रखा है आपने, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू बट करंट आपने इधर दिखा रखा है, तो इस बार तो डिस्चार्जिंग हो रही है ना? हो रही नहीं हो रही है? Yes, sir. तो डिस्चार्जिंग का केस. और अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो करंट को आप dQ by dt नहीं लिखेंगे, माइनस ऑफ dQ by dt लिखेंगे, क्योंकि dQ by dt तो खुद ही नेगेटिव है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये जस्ट कन्वेंशन की तरह ध्यान रखिएगा. तो आपको ये डिस्चार्जिंग सर्किट भी समझ आ गई है? समझ आ गई डिस्चार्जिंग सर्किट? Yes, sir. Yes, अगर आपसे इस डिस्चार्जिंग सर्किट में पूछे कि रेजिस्टेंस में कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई है तो क्या फाइंड कर सकते हैं? आप सोचो सर्किट में करंट तब तक चलेगा ना जब तक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है. और अगर कैपेसिटर की एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो गई क्योंकि उसके पास इनिशियल एनर्जी कैपिटल क्यू का स्क्वायर बाई टू सी था एंड जब डिस्चार्ज हो चुका है तब तो कोई एनर्जी बचा ही नहीं उसके पास, तो इसका मतलब ये निकलता है कि बेसिकली कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर थी सारी की सारी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई ना? Yes, sir. So, इसका मतलब अगर पूछे कि हीट एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई है इस रेजिस्टेंस में, तो आपको I square R dt करके इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. आप इंटीग्रेट करोगे वही आंसर आएगा. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी डिसिपेट हो गई है. समझ आई? यस सर. सो हियर इन डिस्चार्जिंग the total heat energy generated, total heat energy generated is equal to the initial energy stored in capacitor, stored in capacitor. ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे. तो H की value को UI लिख लें, मतलब Q square by 2C, यही answer आएगा. ठीक है. यस सर. चलो इनके एप्लीकेशंस करते हैं. स्टेडी स्टेट वगैरह तो निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो ट्रांजिएंट ड्यूरेशन में नहीं आता है.
let us say this is 5 microfarad. This is 10 volt. This is say 100 ohms. And we'll say this is 200 ohms. And this is 20 volt. And this is again, say 200 ohms. ठीक है? आपको इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड पहला चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड दूसरा टाइम कांस्टेंट निकालना है सर्किट. अब चेक करो, सबसे पहले उसने चार्ज पूछी है और ये मेंशन नहीं किया कब का चार्ज. तो कब का चार्ज जब मेंशन नहीं करते तो कब का मानते हैं? स्टेडी स्टेट. ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखना है कि क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है चार्जिंग की, तो इसलिए अगर नहीं मेंशन कर रखा है तो स्टेडी स्टेट ही पूछ रहे हैं. ठीक है, एट स्टेडी स्टेट. तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है? ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? ओपन सर्किट. ओपन सर्किट राइट. लॉजिकली सोचना, रटो नहीं, लॉजिकली सोचो. लॉजिकली क्या बताया था आपको? कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गई है. कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होने का मतलब क्या था? उसके ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, और ब्रांच में अगर करंट नहीं होगी इसका मतलब तो वो ओपन सर्किट हुआ ना. यस राइट. लॉजिकली सोचना, ऐसे रटना नहीं. ये देखो मैंने ये काम कर लिया. ठीक है, ये टर्मिनल को ए एंड बी नाम दे दिया. अब चेक करो, बीच वाले ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर रहा है बट बाहर में तो फ्लो कर रहा है ना. यस सर. राइट, एक सिंगल लूप सर्किट बन रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज. दिख रही है 20 वोल्ट वाला क्लॉकवाइज है और 10 वोल्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज है. तो ईएमएफ ऑफ लूप कितनी आ रही है? 20 माइनस 10 मतलब 10 वोल्ट क्लॉकवाइज. ये आ रही है ना? आ रही है? ठीक है ना? Yes, तो करंट जो लूप में फ्लो करेगी, लूप में जो करंट फ्लो करेगी मतलब लूप मतलब ये वाले पार्ट में, यहां पे जो करंट फ्लो करेगी इस पार्ट में, ये करंट की बात कर रहे हैं, तो ये करंट की वैल्यू हम कितने लिख सकते हैं? दिस करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ लूप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप. तो ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट का है एंड रेजिस्टेंस कितने का है? 400 का है. तो यार ये 1/40 एम्पियर की करंट आ रही है. तो अब अगर मैं यू नो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस चाहिए तो मैंने टर्मिनल बी को जीरो पे मान लिया है. ठीक है, तो 20 वोल्ट के नीचे अगर मूव करें तो प्लस 20 लिख सकते हैं. 0 प्लस 20 लिख सकते हैं. यस सर. फिर 200 के अक्रॉस मूव करो तो 200 के अक्रॉस मूव करने पे कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? 200 × 1/40. यस राइट. तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5 आ जाएगा ना. माइनस 5 कौन सा है? 1/40 × 200 है. तो कितना आ गया? प्लस 15. ये प्लस 15 ऊपर में भी यहाँ भी लिख सकते हैं ना. प्लस 15 लिख सकते हैं. Yes, और बीच का जो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ए की तरफ जाता हुआ, उसमें तो कोई करंट नहीं है, और उसमें करंट नहीं है तो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल को क्या हम प्लस 15 लिख सकते थे? Yes, और बी का जीरो है. तो देखो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए भी मिल गई है क्या? Yes. कितनी आ रही है? 15 माइनस 0 व्हिच इज 15 वोल्ट. और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है तो स्टेडी स्टेट चार्ज भी तो मिल जाएगा ना. क्या करेंगे? सी इंटू वी ए बी कर लेंगे. सी कितना था? 5 था. सो 5 × 15 इज 75. So 75 माइक्रो कूलम्ब इज द आंसर. समझ आई आपको? यस सर. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. ठीक है, ये पहला पार्ट हमने कवर कर लिया. सेकंड पार्ट में उसने टाउ बोला था. टाउ निकालने का तरीका याद है? ये तो दिख ही रहा ना. अब मैंने आपको जो बोला था कि यू नो कि हर बार आपको वो करने की जरूरत नहीं. अच्छा, एक बार कर ही देता हूँ आपको, फिर ध्यान रहेगा. एक बार कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा. ये तो मैंने आपको ए और बी नाम दे दिया और बैटरीज को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. ये देखो, ठीक है ना? यस सर.
तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है देखो, 100 इन सीरीज विथ 200 इन पैरेलल विथ 200, है ना, है ही नहीं है? है? Yes, sir. तो 100 इन सीरीज विथ 100 मतलब 200 ही तो आ रहा है, 200 ओम्स हो गया, हो गई? एंड देयरफॉर अब हम टाउ को तो इजीली लिख सकते हैं, तो टाउ की वैल्यू को क्या लिखना था, आर अक्रॉस ए बी इंटू सी, आर अक्रॉस ए बी आई है 200 एंड कैपेसिटेंस थी हमारी 5, ये माइक्रो था मतलब 10^-6 होगा, तो 200 इंटू 5 इज 1000 मतलब 10^-3 सेकेंड्स में आ जाएगा, सो विच कैन बी रिटन एज 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, क्लियर है? Did you all understand? Yes, sir. अगर आपको समझ आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप करके दिखाओ मुझे। Say this is 10 volt, this is 12 ohms, yeah, it's 120 ohms, 1200 ohms kar lete. This is 400 ohms, this is again 10 volt, this is 20 microfarad, this is say 20 volt, and say this is 1200 ohms. ठीक है? Question says, switch is closed at t equal to 0. अब पहला पार्ट है, find current in branch of capacitor at t equal to 0. ये पहला चीज फाइंड करना है, दूसरा स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड करनी है, एंड तीसरा टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। आप अज्यूम करेंगे इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज, देखो कितनी आ रही है, आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन है, तीनों के लिए 1 मिनट, देखो कितनी आ रही है। 2 more minutes please. No, I cannot give you 2 more minutes. 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिलते बेटा, आपको पता है एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखो इधर, अगर नहीं हुई है तो आपको सीखना है कि आपको कैसे करना है, चेक करो। अच्छा किसी ने भेजा है शायद, एक मिनट चेक करेंगे। सर ओटा खाली लास्ट पार्ट, এটা তো শুধু লাস্ট পার্টটা করেছিস তাই তো? হ্যাঁ। 12 in parallel with 12 600 হয়ে গেল, 600 in series with 400 1000 হয়ে গেল, and 1000 এর সঙ্গে 20 মাল্টিপ্লাই করেছিস, ঠিক আছে, ঠিক আছে, টাউটা ঠিক বার করেছিস। হুম, আর বাকিটা অ্যাটেম্পটই করিস নি স্যার, এই একটা কমপ্লিট করতে হয়েছে, করছি বাকি। ঠিক আছে চলো দেখো, এটা পহলে পার্ট ফার্স্ট নে বলা হ্যায়, ইনিশিয়াল কারেন্ট ইন ব্রাঞ্চ অফ ক্যাপাসিটর, ইনিশিয়ালি সার্কিট কেসা বিহেভ করেগা,
कैसा बिहेव करेगा इनिशियली, मतलब एक कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट सॉरी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा, तो मैं उसको रीड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये कैपेसिटर को मैं हटा रहा हूं, कैपेसिटर के टर्मिनल्स को ए और बी नाम कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट में से, ठीक है ना, यही करना है ना हमें, चेक करो एक बार, यही करना है। यस ठीक है, यस सर ठीक है। अभी एक बार पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करके तुरंत से ही करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस टर्मिनल को जीरो पे मान रहा हूँ, बैटरी 20 वोल्ट का जो लोअर टर्मिनल है, इसको 20 पे मान लिया, इधर भी जीरो लिख सकते हैं, इधर भी जीरो लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जीरो होगा, तो 10 के अक्रॉस मूव करेंगे तो -10 आ जाएगा, इधर भी 10 के अक्रॉस मूव करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब नीचे मूव करोगे तो किसी में भी नहीं पता आपको, तो यहाँ पे आपको x चूज करना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन x इक्वल टू जीरो यूज करेंगे, सो देयरफॉर आपको जो वैल्यू मिल रही है x माइनस -10 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस x माइनस -10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1200 इक्वल टू जीरो। ये तो आपको आता है ना? Yes, sir. आता है ना हम सबको? Yes, sir. Yes, sir. So, यहां से आ रही है x प्लस 10, इसका दोगुना हो जाएगा क्योंकि उधर नहीं 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 यहाँ पे x प्लस 10 है, उधर x माइनस 20 है, तो x प्लस 10 प्लस यहाँ पे तीन गुना, सो 3x प्लस 30 एंड प्लस x माइनस 20। देखो तो यही आ रही है क्या, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लेना, तो 3x प्लस 2x 5x, सो 5x की वैल्यू आ रही है 40 माइनस 20 इज 20, तो x की वैल्यू आ गई है 4 वोल्ट आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई है। वंस यू हैव गॉट x 4 वोल्ट, तो 400 वोल्ट का जो 400 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का लोअर टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे हो गया, हुआ है नहीं? Yes, sir. और इसका मतलब ये जो करंट फ्लो करेगी, ये करंट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, x माइनस -10 डिवाइडेड बाय 400 लिख सकते थे ना? Yes. लिख सकते थे, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4 प्लस 10 14 डिवाइडेड बाय 400, सो दिस बिकम्स 7 डिवाइडेड बाय 200, ये आ रही है ना? Yes, sir. आ रही है? Yes, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 35 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 35 मिली एम्पियर, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes. क्लियर है सभी को? सर सर हाँ यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन, इनिशियली कैसे स्टार्ट करें कि ये एक्स पॉइंट को हमको माने नोन होना चाहिए? आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल, तो आपका सर्किट में तो एक ही वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल के लिए आपको इक्वेशन लिखना है, तो कोई भी जंक्शन से लिखिए, जिस जंक्शन पे आपके यू नो आप ये केसीएल लगा रही है, तो केसीएल ही बेसिकली, तो उस जंक्शन से जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड है उन सारे ब्रांचेस का करंट आपको लेना है, तो आप कहीं से भी करो, आप ऊपर से भी करते तो यही इक्वेशन आते हैं। ओके सर, ठीक है, आप इसको इक्विवेलेंट बैटरी वाले कॉम्बिनेशन तरीके से भी कर सकते थे, जो लेफ्ट वाला ब्रांच है और राइट वाला जो ब्रांच है, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर लेते, तो उसके बाद फिर है ना, उससे भी कर सकते थे, बट उससे थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि आपको सर्किट दो बार ड्रॉ भी तो करना पड़ता है ना, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके से कभी आपने किया नहीं है पहले, इसीलिए आप इतने कंफर्टेबल नहीं है, आप इसको करके देखो, ये काफी कंफर्टेबल लगेगा आपको, आप अगर गलतियां करते हो तो कोई बात नहीं है, गलती करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बस ये करो कि गलतियां आपने मुझे दिखा दो कि सर ये देखो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया है, मेरा गलत क्या हुआ ये बताओ, तो एक बार अगर आप वो गलती आइडेंटिफाई कर लोगे ना आपने, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैंने क्या मतलब क्या ठीक करना था उसमें, तो नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही अटेम्प्ट करो, टाइम बचेगा स्पेस भी बचेगा, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हमारा मिल चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 35 मिली एम्पीयर आ गया, चलो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट सेज द स्टेडी स्टेट चार्ज हमें निकालनी है, स्टेडी स्टेट चार्ज निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट स्टेडी स्टेट चार्ज,
तो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे कैपेसिटर, ओपन सर्किट द कैपेसिटर, ठीक है। तो हम इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, यही होगा ना सिचुएशन, देखो तुम। यस सर। राइट, स्टेडी स्टेट में तो ओपन होगा, तो बीच वाले ब्रांच में कोई करंट है क्या? इज देयर एनी करंट इन द मिडिल ब्रांच? नो सर। नो, बट देयर विल बी अ करंट इन द आउटर ब्रांच नो, राइट? एक लूप तो बन रही है, अगर आप देखोगे तो दोनों ही बैटरी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट? ऐसा ही है ना? यस सर। दिख रही है आपको? यस सर। ऐसा एक करंट तो फ्लो कर रहा है, ये करंट को आई मान लेते हैं, तो ये करंट आई कितनी लिखोगे? ईएमएफ ऑफ लूप कितनी है? 10+20 एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज 2400, सही है ना? यस सर। सही है, तो यार ये 30 डिवाइडेड बाय 2400, सो व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 1/80, राइट? यस सर। ठीक है, अब आपको एबी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो फिर से सेम मेथोडोलॉजी लेते हैं। हमने टर्मिनल ए को मान लेते हैं जीरो पे मार्क कर लिया है, ठीक है? तो इधर भी देखो, मैं जीरो लिख सकता हूँ, 20 के क्रॉस मूव किया तो +20 हो जाएगा। अब 1200 के क्रॉस मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा? आईआर का आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आईआर की आएगी, और आईआर मतलब कितना है? 1/80 × 1200, यही है ना? Yes. है ना? Yes. अगर आप देखोगे तो ये 15 वोल्ट की आ रही है, तो मतलब 15 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 20 - 15, और ये हो गया 5 वोल्ट, राइट? ठीक है, इसका मतलब लोअर टर्मिनल यहाँ पे भी दिखाए तो ये 15 वोल्ट का है, बट बीच वाला जो 400 ओम से उसमें तो कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम 5 वोल्ट, तो 400 के क्रॉस भी मूव करोगे तो 5 वोल्ट लिख सकते हो, क्योंकि उसमें तो कोई करंट नहीं है, ठीक है? बट अब अगर 10 वोल्ट का बैटरी के क्रॉस मूव करोगे बी टर्मिनल जाने के लिए, तो 10 वोल्ट का राइज मिलेगा ना आपको, राइट? Yes, तो 5+10 कितना हो गया? 15 वोल्ट होगी ना? समझ आई आपको? Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितनी आ रही है? 15 - 0 विच इज 15 वोल्ट, एंड देयरफॉर चार्ज एट स्टेडी स्टेट दैट विल बी सी इनटू वीएबी कर लेंगे। कैपेसिटेंस कितनी दी थी मैंने? 20 दी थी शायद, 20 था शायद, 20 माइक्रोफराड मतलब 10⁻⁶, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है वो 15 वोल्ट का निकाला है, तो 15 × 2 = 30, 300 माइक्रोकूलम ये लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। ये सेकंड पार्ट के लिए हो गया। यस सर। थर्ड पार्ट पे आ जाएं, थर्ड पार्ट में उसने टाइम कांस्टेंट निकालने बोला था, टाइम कांस्टेंट तो इसी सर्किट से निकाल सकते हैं ना, बस ये इमेजिन करो कि बैटरीज अपना शॉर्ट सर्किटेड है, बैटरीज अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो आपको क्या दिखेगा? 1200 एंड 1200 पैरेलल में दिखेंगे आपको? Yes, दिखेंगे? दिखेंगे आपको? Yes, sir, yes, sir, sir. Yes, sir. And 400 ohms का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है उसके साथ सीरीज में? Yes, sir. है ना? तो 1200 और 1200 का पैरेलल कितना हो गया? 600, है ना? Yes, sir. And 400 उसके साथ क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 600 प्लस 400 कितना हो गया? 1000 हो गया ना, राइट? यस सर। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इनटू सी करेंगे, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 1200 इन पैरेलल विद 1200 एंड द कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद 400 एंड दिस multiplied with capacitance which is 20 microfarad, so this becomes 1000 matlab 10⁻³ ohms into 20 into 10⁻⁶ farad, to isko likh sakte hain aap 20 millisecond likh sakte hain na, likh sakte hain? Yes sir. Yes sir. Theek hai, ye bhi mil gaya, koi confusion hai? ठीक है।